हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ लवर एंड यू आर वाचिंग टेक्नोलॉफर। आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम की। जी हाँ, इंस्टाग्राम तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो ही रहा है, सभी को पता है। तो आज हम प्रमोट करेंगे अपना यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम के थ्रू, वो भी बहुत ही चीप प्राइस में। अभी हमने गूगल एड्स से अपने चैनल को प्रमोट किया है, अब हम उसी के साथ लगा देते हैं इंस्टाग्राम से कैसे अपना चैनल को प्रमोट करेंगे। अब हम आपको बताते हैं, बहुत ही कम पैसों में ये प्रमोशन हो जाता है। पहले हम वन डे के लिए प्रमोट करेंगे एंड अगर हमें उससे रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं, सब्सक्राइबर गेन करते हैं हम और व्यूज़ वगैरह बढ़ते हैं, तो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ हम उसे वहीं कट कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं। तो हम, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टेक्नोलॉफर के नाम से है, आप भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पोस्ट वैसे पहले नहीं करती थी, अभी 2-3 दिन से मैं इस पर रेगुलर पोस्ट कर रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप इसे कर लें फॉलो और लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम देख लेते हैं हम कैसे, ये मेरा बिज़नेस अकाउंट है। मैंने कुछ यहाँ जाकर, मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता देती हूँ, सेटिंग्स पर जाना है और ये अकाउंट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ जो आपका आता है ना एड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे तो बस आगे आप थोड़े बहुत फॉलो करेंगे या कोई वीडियो देख लीजिएगा, आप कर लीजिएगा। जब आपका बिज़नेस अकाउंट रेडी हो जाए तो आप सिंपल पोस्ट कीजिए। ये देखिए, मैंने ये सिंपल सी पोस्ट की है, क्लिक टू लिंक वॉच दिस वीडियो, ठीक है। अब क्योंकि जब मेरा बिज़नेस अकाउंट हो गया तो यहाँ बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। प्रमोट करना है ना हमें अपनी पोस्ट को। अब हम सेलेक्ट करेंगे कि हम मोर प्रोफाइल विजिटर्स चाहते हैं, मोर वेबसाइट विजिटर्स चाहते हैं या मैसेज चाहते हैं। हम वेबसाइट विजिटर्स चाहते हैं। अब इसने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक ले लिया है, लेकिन मुझे कोई एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, तो मुझे उसके लिए वीडियो का लिंक लेना होगा। मैं चले जाती हूँ YT स्टूडियो में, वहाँ से अपनी एक वीडियो का लिंक ले लेती हूँ जिसे मैं प्रमोट करना चाहती हूँ, ठीक है। आप भी इसी तरीके से अपना लिंक ले लेंगे। ये देखिए, कॉपी लिंक, वापस से जाएंगे यहाँ और हम यहाँ लिंक को इससे रिप्लेस कर देंगे। अगर आपको चैनल पर भेजना है तो आप वो चैनल का लिंक भेजेंगे। अब यहाँ लर्न मोर आ रहा है, शॉप नाउ आ रहा है, हम वॉच मोर पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें अपनी वीडियो दिखानी है, ठीक है। फिर राइट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब हमें ऑटोमेटिक ऑडियंस चुननी है या फिर इंडियन या फिर क्रिएट योर ओन, मुझे खुद से अपनी ऑडियंस बनानी है। चलिए मैं ऑडियंस का नाम रख देती हूँ, क्या नाम रखूँ, गैजेट। ये ऑडियंस मैं गैजेट के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसका नाम गैजेट रखा है, दिल्ली। हम यहाँ दिल्ली को सिलेक्ट करते हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, देखते हैं आता कि नहीं। राजस्थान की कोई सिटी आ गई है, ये ले लेते हैं, सिर्फ इतना ही काफ़ी है। हम देखते हैं उत्तर प्रदेश आता है कि नहीं, आ गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब हमने ये लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, राइट पर क्लिक करेंगे और यहाँ सब कुछ ग्रीन होता जा रहा है, मेल और फीमेल दोनों रहने देंगे हम। 65 नहीं, इतने बड़े एज के लोग मोबाइल इन सब में इंटरेस्टेड कम होते हैं, इसलिए हम यहाँ 15 से 40 कर देते हैं, 15 से 40 की रेंज में डाल देते हैं। ये हमारा ऑडियंस रेडी हो गया है, ठीक है। अभी लास्ट मेनली हमें क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अभी यहाँ 6 डेज़ का दिखा रहा है, हम ओनली 1 डे का रखेंगे। हम देखते हैं 80 रुपीज़ में, लो बजट यू मे नॉट गेट रिज़ल्ट, इसमें ये कह रहा है अगर आप 80 रुपीज़ करते हैं तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है, तो हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 120 कर देते हैं, क्या जा रहा है देखते हैं क्या होता है।
हमारा पूरा 141 रुपीज़ खर्च होने वाला है। टैक्स लगेगा 21 रुपीज़ 60 पैसे और हमारा बजट है 120 रुपीज़। अब यहाँ हमें ये जो पेमेंट है, यहाँ पेमेंट ऐड करना होगा, UPI या फिर UPI से या PayTM से, कैसे भी आप कर सकते हो। चलो UPI से कर लेते हैं। अब मैं इसे कंप्लीट नहीं दिखा सकती, आप इसे इसी तरीके से आप कनेक्ट कर लीजिए और आपकी पोस्ट थोड़ी देर के लिए जाएगी रिव्यू में और आपकी पोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। वो जब रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा तो आपके ऐड चलने लगेंगे और फिर आप एक दिन के बाद देखिएगा कि आपके चैनल पर कितना फ़र्क आया, कितने व्यूज़ बढ़े, कितने सब्सक्राइबर बढ़े, उसी हिसाब से इसे आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ इसे कैंसिल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।